नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टैरिफ तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की अपनी तैयारी कर रहे होंगे। टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के अगली कड़ी में हम आपसे बात करेंगे पवन की। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जलवायु प्रदेशों के बारे में बताया था, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, पवन। एक एक टॉपिक को आपको हम विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप समझिएगा टीचिंग की गुणवत्ता को, कैसे आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने प्रवेश अपना सुनिश्चित कर लिया है उनको क्लासें मिलनी प्रारंभ हो गई हैं, और जो लोग अभी भी क्लासों के लिए सोच रहे हैं तो जल्दी से आप क्लास परचेज कर लीजिएगा। एकदम रेगुलरिटी के साथ क्लासेस चलेंगी, आपको नोट्स, पीडीएफ, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो आपका डाउट सेशन हो, चाहे आपका प्रैक्टिस सेट हो, मैराथन हो, सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर आज, और इस टॉपिक का नाम है पवन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हमारा पवन। पवन जिसको इंग्लिश में हम विंड बोलते हैं, WIND। क्या बोलते हैं? विंड। देखिएगा, समझिएगा, अगर हम पवन की बात करते हैं तो धरातल पर जो भी हवाएं क्षैतिज रूप से संचालित होती हैं, धरातल पर जो भी हवाएं क्षैतिज रूप से गमन करती हैं, क्षैतिज रूप से विचरण करती हैं, उन सभी हवाओं को हम पवन कहते हैं, ठीक ना। तो हवा जिसको हम इंग्लिश में एयर कहते हैं, एयर, इस हवा को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। यदि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, यदि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो इसको नाम दिया जाता है वायु, और यदि हवा क्षैतिज रूप से संचालित की जाती है या क्षैतिज रूप से विचरण करती है, क्षैतिज रूप से गमन करती है, तो इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? तो इसका नामकरण, इसको संज्ञा दे दी गई पवन की। तो पवन धरातल पर प्रवाहित होने वाली क्षैतिज हवाएं हैं। फिर से सुनिएगा, पवन धरातल पर प्रवाहित होने वाली क्षैतिज पवनें हैं, और इन क्षैतिज पवनों की विशेषता ये है कि इन क्षैतिज पवनों का विकास तभी हो सकता है जब एक वायुदाब प्रवणता का विकास हो जाए। वायुदाब प्रवणता क्या होती है, तो इसको समझने के पूर्व वायुदाब को समझेंगे। वायुदाब एकांक क्षेत्रफल पर अगर हम वायुदाब की बात करते हैं तो P बराबर F/A होता है। यहां पर P का अर्थ प्रेशर है, F का अर्थ है फोर्स, और A का अर्थ एरिया। तो एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल के द्वारा, एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल के द्वारा लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब हमने जाना, और वायुमंडलीय दाब का तापमान से विपरीत संबंध होता है। वायुमंडलीय दाब जो है उसका तापमान से विपरीत संबंध होता है। जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा वहां का प्रेशर कम होगा, अर्थात वहां पर लो प्रेशर का विकास हो जाएगा, और जहां का टेम्परेचर हाई होगा वहां पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाएगा। तो जब एक हाई प्रेशर बनता है और एक लो प्रेशर बनता है तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, और ये हवाएं क्षैतिज चलती हैं, और जब ये क्षैतिज चलेंगी तो इन्हीं को क्या नाम दिया जाएगा? इन्हीं को नाम दे दिया जाएगा पवन। तो पवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, पवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है वायु दाब का या वायुमंडलीय दाब का। और जब वायुमंडलीय, दो विपरीत वायुमंडलीय दाब आपस में मिलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जहां पर भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर का विकास होता है वहां पर क्षैतिज रूप से हवाएं संचालित होने लगती हैं, क्षैतिज रूप से हवाएं चलने लगती हैं, और इन क्षैतिज हवाओं को क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है पवन। क्या नाम दिया गया? तो इनको नाम दिया जाता है पवन, ठीक ना। देखिएगा, तो अगर हम पवन के बारे में बात करते हैं तो पवन का विकास वायुदाब प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है अंतर, ठीक ना, वायुदाब प्रवणता के माध्यम से होता है। यदि वायुदाब प्रवणता का विकास नहीं होगा तब तक पवन का विकास होना संभव नहीं है। दूसरी बात, पवन हमेशा हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि पवन का जो नामकरण है, पवन का नामकरण उनके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। उनके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। जहां से पवन आ रही होगी उस आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। यदि पवन पश्चिम से आती है तो पछुआ पवन, पूरब से आती है तो पूर्वीय पवन, ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है तो ध्रुवीय पवन। तो इन आधारों पर पवनों का क्या किया जाता है, पवनों का नामकरण किया जाता है। तो पवन अगर आपसे पूछा जाए पवन है क्या, तो धरातल पर क्षैतिज रूप से संचालित होने वाली हवाओं को पवन कहते हैं, और पवनों के विकास के लिए वायुदाब प्रवणता का होना आवश्यक है, अर्थात हाई प्रेशर और लो प्रेशर का होना अधिक है, और साथ ही साथ इनका जो नामकरण है वो इनके आने की दिशा के आधार पर किया जाता है। ठीक ना, अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगर हम पवन के वर्गीकरण की बात करते हैं, पवन का वर्गीकरण, तो पवने तीन प्रकार की होती है। पहला प्रचलित पवन, इन्हीं को स्थायी पवन भी कहा जाता है। प्रचलित पवन, स्थायी पवन, चूंकि ये पूरे भूमंडल में चलती हैं इसलिए भूमंडलीय पवन। क्या नाम दिया गया, भूमंडलीय पवन। तो प्रचलित पवन, स्थायी पवन या भूमंडलीय पवन, इंग्लिश में पेलिनेटरी विंड बोलते हैं। दूसरी पवन जो होती है इसको नाम दिया गया मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, इंग्लिश में सीजनल विंड बोलते हैं। और तीसरी पवन जो होती हैं इनको नाम दिया जाता है स्थानीय पवन। यहां पर याद रखना है, यहां पर स्थायी है और यहां पर क्या है, यहां पर है स्थानीय पवन, इंग्लिश में बोले तो लोकल विंड। तो तीन प्रकार की पवनें होती हैं और इन तीनों पवनों को आपको याद रखना है, तीनों पवनों को याद रखना है, प्रचलित पवन, मानसूनी पवन और स्थानीय पवन। प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवन जो है, स्थायी पवन है, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं, साथ ही साथ पूरे पृथ्वी पर चलती हैं, पूरे ग्लोब पर चलती हैं, और पूरे ग्लोब पर चलने के कारण पूरे भूमंडल को, पूरे भूमंडल में चलती हैं, पूरे भूमंडल को प्रभावित करती हैं, इसलिए नाम दिया गया भूमंडलीय पवन। तो अगर हम इनकी विशेषता लिखते हैं, अच्छे समझिएगा टॉपिक को, ठीक है। भूमंडलीय पवन या प्रचलित पवन वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, और इनके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है व्यापारिक पवन, नाम सुने होंगे आप ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड हो गई, और पोलर विंड, ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय क्षेत्रों से चलने वाली पवनों को हम ध्रुवीय पवन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में पोलर विंड, पोलर यानी ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये तीन पवनें जो है किसके अंतर्गत आती हैं, ये स्थायी पवनों के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है हमारा मानसूनी पवन। अगर हम मानसूनी पवन की बात करते हैं तो एक निश्चित मौसम में चलती हैं, एक निश्चित मौसम में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है, और जैसे ही ऋतु में परिवर्तन होगा यह अपनी दिशा में भी परिवर्तन कर लेती हैं। आमतौर पर 6 माह तक ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और 6 माह बाद स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं।
तो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन करने वाली पवनों को नाम दिया गया क्या? मानसूनी पवन। क्या नाम दिया गया? मानसूनी पवन। ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ऋतु परिवर्तन के साथ इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। इसके उदाहरण की बात करें तो स्थल समीर, सागर समीर, घाटी समीर, ठीक ना, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम अब बात करते हैं स्थानीय पवन, लोकल विंड जिसको हम बोलते हैं, क्षेत्रीय पवन के नाम से भी जानेंगे इनको हम, तो ऐसी पवन है जो एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित करती है, या ऐसी पवन है जो एक क्षेत्र विशेष में चलती है, उन्हें क्या नाम दिया गया? उनको नाम दे दिया गया स्थानीय पवन। एक क्षेत्र विशेष में चलेंगे, एक क्षेत्र विशेष को ही प्रभावित करेंगी, एक विशेष क्षेत्र में प्रभावित होती है या एक निश्चित क्षेत्र में प्रभावित होती है स्थानीय पवन। जैसे आप लोगों ने कुछ नाम सुन रखे होंगे, लू, हरमट्टन, सिरोकू, सिमम, नॉर्वेस्टर, विकफील्डर, चिनोक, फॉन, तो ये सारी पवन स्थानीय पवन के अंतर्गत आती है। तो हम एक एक से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रचलित पवन की ओर, जिसको हम भूमंडलीय पवन कहते हैं। और भूमंडलीय पवन की विशेषता क्या है? तो भूमंडलीय पवन की विशेषता यह है कि वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनको हम पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहां पर एक रेखा है, ये जीरो डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा। उसके बाद एक रेखा आपको यहां पर याद रखनी है, एक नहीं बल्कि दो, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देखिएगा ये जीरो डिग्री अक्षांश है यानी विषुवत रेखा, और यहां पर मैं एक ही रेखा बना देता हूं, ठीक है ना, एक ही रेखा से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये आपका 30 डिग्री अक्षांश है, 30 डिग्री उत्तर, और यहां पर 60 डिग्री उत्तर हो गया, और यहां पर आपका 90 डिग्री उत्तर हो गया, 90 डिग्री उत्तर। उसी प्रकार यहां पर भी 30 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण, और यहां पर 90 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री, ठीक ना। अगर इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहां पर विषुवत रेखा पर तापमान अधिक रहता है, इसका नाम है विषुवत रेखीय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। टेम्परेचर अधिक है, मैंने आपको बताया है कि ताप का वायुमंडलीय दाब से विपरीत संबंध होता है, तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहां पर प्रेशर जो है वो कम होगा, अर्थात यहां पर लो प्रेशर बनेगा, तो इसका नाम हो गया विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब। यहां पर इसके अपेक्षा यहां पर टेम्परेचर अधिक होता है, यहां पर टेम्परेचर कम होता है, तो यहां पर हाई प्रेशर बन जाता है, और इस हाई प्रेशर को हम नाम दे देते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब। हाई प्रेशर बना तो उपोष्ण उच्च वायुदाब। उसके बाद यहां पर फिर से टेम्परेचर कम हो जाता है, वायुदाब की पेटियां में हम समझेंगे इसको, और जो लोग पेट विद्यार्थी उनको हम समझा चुके हैं। यहां पर फिर से लो प्रेशर बनेगा और इसको नाम दिया जाता है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय क्या नाम दिया जाएगा? निम्न वायुदाब,
निम्न वायु दाब, ठीक ना। और यहां पर जो 90 डिग्री है यहां पर बनता है आपका ध्रुवीय, टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर हो जाएगा, ध्रुवीय उच्च वायु दाब, ध्रुवीय उच्च वायु दाब। ये थोड़ी सी भाषाएं आपको याद रखनी है कहां पर कौन सा उच्च वायु दाब है, ठीक ना। इसी प्रकार नीचे होगा तो हम एक ही जगह बना लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देखिएगा हम भूमंडलीय पवनों की बात कर रहे हैं और भूमंडलीय पवनों में सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे व्यापारिक पवन की। सबसे पहले हमारी जो आपसे बातचीत हो रही है वो हो रही है व्यापारिक पवन से। कौन सी पवन से? व्यापारिक, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन की अगर बात करते हैं हम, व्यापारिक पवन, तो पवनों के संदर्भ में एक बात और समझ लीजिएगा, पवनों के संदर्भ में बात आपको समझनी है कि पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज चलती है, फेरल के नियम अनुसार। तो जो व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवन, पवन जो भी होगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो यहां पर आप देखिएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब है और यहां पर ध्रुवीय निम्न वायुदाब है, तो यहां पर जो इस प्रकार से पवनें चलती हैं, इस प्रकार से जो ये पवनें चलती हैं इनको नाम दिया जाता है उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है। उपोष्ण उच्च वायुदाब से ये कौन सा है? उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर जो पवनें चलती हैं उनको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? व्यापारिक पवनें। अभी इनकी दिशाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, हम समझेंगे अभी। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी यहां पर हाई प्रेशर है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और यहां पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, तो यहां से भी पवनें चलेंगी 30 डिग्री साउथ से 0 डिग्री की ओर। लेकिन चूंकि दक्षिणी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, कैसे चलेगी? तो यहां पर जो पवनें चलेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। तो देखिएगा मैं बना रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से, इस प्रकार से पवनें चलती है, अच्छे समझिएगा, इस प्रकार से पवनें चलेंगी। ए उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है ट्रेड विंड और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन एक जर्मन भाषा का शब्द है, व्यापारिक पवन जर्मन। जब औपनिवेशिक काल में जब व्यापारी भारत में आते थे तो इन्हीं अक्षांश में यात्रा करते थे। भाई भारत 30 डिग्री के नीचे का 30 डिग्री रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो इन्हीं अक्षांशों के मध्य यात्रा करते थे। तो इन अक्षांशों का जो यहां पर जो हवाएं चलती है वो व्यापार के लिए बड़ी आसानी से पानी वाले जहाज को धकेलते हुए आगे चलती है, इसलिए इनका नाम व्यापारिक पवन रखा गया। अब देखिएगा यहां पर व्यापारिक पवनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे? तो हम आपको दिशाओं का सबसे पहले बोध कराते हैं। दिशाओं का बोध करने के लिए हमेशा ऊपर मान लीजिएगा उत्तर, नीचे दक्षिण, आगे वाली दिशा पूरब है और पीछे वाली दिशा पश्चिम है, ठीक ना। देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से पवनें चल रही हैं। अगर यहां पर हम पवनें बनाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से पवनें चल रही और इस दिशा का नाम क्या है? तो हमने बताया आपको कि पवनें जिस दिशा से आती हैं उसके आधार पर नामकरण किया जाता है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये पवनें होंगी नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती हैं वो उत्तर पूरब से कहां की ओर जाती हैं? वो दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हैं। कहां जाती हैं? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट की ओर जाती हैं। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें। और वहीं अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार चल रही है, इस प्रकार। तो दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से दक्षिण पूरब से कहां की ओर जा रही है? नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रही है। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये वाला डायग्राम केवल याद रखना है। और एक चीज याद रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्लॉकवाइज चलेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। क्लॉकवाइज तो चलेंगी लेकिन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, जीरो डिग्री पर। यहां से आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक ना। चलिए मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, है ना। लो प्रेशर यहां पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिण पूर्व से कहां की ओर होती है, उत्तर पश्चिम की ओर होती है। कहां पर होती है, उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इतना सा आपको ये याद रखना होगा, ठीक ना, इतना आपको याद रखना होगा। चलिए, व्यापारिक पवन है, अब देखिएगा यहां से व्यापारिक पवन जा रही है और यहां से व्यापारिक पवन आ रही है, ये दोनों व्यापारिक पवन आपस में टकराती हैं। उपोष्ण उत्तरी उपोष्ण कटबंधीय क्षेत्र से आने वाली व्यापारिक पवन और दक्षिणी उपोष्ण कटबंधीय क्षेत्र से जाने वाली व्यापारिक पवन यहां पर आपस में क्या होती है, टकराती हैं, और टकराने के बाद ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद जो वर्षा कराती हैं उस वर्षा का नाम है संवहनी वर्षा। मैंने एक लेक्चर अभी आपको पढ़ाया था, पब्लिक क्लास में पढ़ाया था मैंने, जिसमें तीन वीडियो आपने देखे होंगे, मेरा पॉलिटी का और हिस्ट्री वाले सर का, तीनों वीडियो उसमें साथ में थे, ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी। उसमें मैंने आपको जलवायु प्रदेश समझाया था, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में कौन सी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है, और वह संवहनी वर्षा उत्तर पूर्व से आने वाली व्यापारिक पवन है और दक्षिण पश्चिम से जाने वाली व्यापारिक पवनों के आपस में टकराने से होती है। ठीक है, अगला समझिएगा, यहीं पर मैं एक चीज आपको और समझाता हूं, आप देखिएगा मैं कितनी व्यापकता के साथ आपको पढ़ाऊंगा, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आप लोगों ने एक नाम सुन रखा होगा, शांत पेटी या डोलड्रम, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शांत पेटी या डोलड्रम क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाला एक विक्षेपक बल है, जिसको हम नाम देते हैं कोरिओलिस फोर्स। पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, दो प्रकार से गतियां करती है, एक तो अपने अक्ष पर गति कर रही है तो घूर्णन गति हो गई, और एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसको नाम दिया जाता है परिक्रमण गति। तो चूंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही होती है, तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले बल को, उत्पन्न होने वाले विक्षेपक बल को हम कोरिओलिस फोर्स कहते हैं, और जो कोरिओलिस फोर्स है, कोरिओलिस फोर्स है, इसका सीधा संबंध होता है वायु की गति, और एक और सीधा संबंध होता है इसका वायु गति और अक्षांशीय जया से, इसी में लिख देते हैं, वायु की गति इंटू अक्षांशीय जया, और जया का मतलब होता है साइन थीटा, साइन टू साइन थीटा, ऐसा कोरिओलिस फोर्स का सीधा संबंध होता है वायु की गति एवं अक्षांशीय जया से, और अक्षांशीय जया को हम साइन थीटा बोलते हैं। अब थीटा यहां पर 0 डिग्री पर है तो साइन थीटा का मान साइन 0 हो जाएगा, 30 डिग्री पर है तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान 30 हो जाएगा, 60 डिग्री पर है तो साइन 60 हो जाएगा, और 90 डिग्री पर है तो साइन 90 हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखते हैं तो ये किसको प्रभावित करता है, वायु की गति इंटू साइन थीटा, वायु गति इंटू साइन थीटा। अब यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर हम साइन 0 का मान रखते हैं तो साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, तो ये पूरा यहां पर जो कोरिओलिस फोर्स है, वो कोरिओलिस फोर्स यहां पर क्या होता है, तो यहां पर कोरिओलिस फोर्स का मान शून्य आ जाता है, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोरिओलिस बल शून्य होता है, और कोरिओलिस बल शून्य होने के कारण ही यहां पर जो हवाएं हैं वो हवाएं यहां पर आती हैं, कुछ मात्रा में ऊपर उठती हैं और कुछ हवाएं यहां पर सीधे सीधे इस प्रकार से चलने लगती हैं, यहां पर कुछ हवाएं इस प्रकार से चलने लगती हैं कोरिओलिस बल के कारण। तो ए वाला जो क्षेत्र है 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक का क्षेत्र है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र है, और इस 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं, और जब हवाएं क्षैतिज रूप से चलती हैं तो यहां पर मौसम संबंधित घटनाएं घटित नहीं हो पाती हैं, और साथ ही साथ जब यहां पर मौसम संबंधित घटनाएं घटित नहीं होंगी तो यहां पर हमेशा शांति बनी रहेगी, इसलिए 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को नाम दिया जाता है शांत पेटी या डोलड्रम, शांत पेटी या डोलड्रम। और शांत पेटी या डोलड्रम में क्या होता है, मौसम संबंधित घटनाएं नहीं घटती, मौसमी घटनाएं नहीं घटती, मौसमी घटना यहां पर नहीं घटती। अब देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र,
शांत पेटी का क्षेत्र, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत ही शांत पेटी का क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण तक है, यानी दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है क्या, तो उसको नाम दिया जाता है आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत ही डोल्ड्रम आता है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो चक्रवात आएंगे, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र का जो और छोटा सा भाग हो जाएगा जिसको डोल्ड्रम कह रहे हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, ये 10 डिग्री है नॉर्थ और ये 10 डिग्री साउथ है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, लेकिन इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में 5 डिग्री से लेकर और ये 5 डिग्री तक का क्षेत्र, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र जो है इस शांत पेटी या डोल्ड्रम है, तो इस वाले क्षेत्र में चक्रवात नहीं आएंगे, यहां पर कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होगी, तो इस वाले क्षेत्र में चक्रवात भी नहीं आएंगे। और चक्रवात की आपने कभी संरचना देखी हो तो हवाएं केंद्र की ओर आती हैं और चक्राकार रूप में, केंद्र की ओर आकर चक्राकार रूप में ऊपर की ओर उठती हैं, तो यहां पर चूंकि कोरियोलिस फोर्स जीरो है, कोरियोलिस बल जो है वो जीरो है, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती है। 5 डिग्री तक के क्षेत्र में, मैं बस 5 डिग्री की बात कर रहा हूं, 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण, तो ये आपकी व्यापारिक पवन है। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि डोल्ड्रम या शांत पेटी का विकास, डोल्ड्रम या शांत पेटी का जो विकास है वो किन पवनों के माध्यम से होता है, तो किन पवनों के माध्यम से होता है बाबू, व्यापारिक पवनों के माध्यम से होता है। किस माध्यम से? व्यापारिक पवन के माध्यम से, समझ गए? तो ये व्यापारिक पवन है जो मैंने आपकी येलो कलर से बनाई हुई है, तो येलो कलर से मैंने जो आपकी बनाई है ये आपकी TW है, ट्रेड विंड है, ठीक ना, येलो कलर से ट्रेड विंड है, चलेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, पवने कहां से कहां की ओर जाती हैं? तो पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। पवने हाई प्रेशर से कहां की ओर चलती हैं? लो प्रेशर। तो देखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार पवने आ रही हैं, लेकिन आप एक चीज और देखिएगा, अगर यहां पर हाई प्रेशर है तो यहां पर भी तो लो प्रेशर है, तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर पवने जाएंगे, और यहां पर भी इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर पवने जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने जाती हैं, तो यहां पर अब देखिएगा, यहां पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने जाएंगी, लेकिन पवन जाएगी कैसे? पवन जाएगी हमेशा क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में पवने हमेशा कैसे चलेंगी? क्लॉकवाइज चलेंगी, अर्थात ऐसे चला देते हम क्लॉकवाइज, देखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से कहां की ओर जा रही है? क्लॉकवाइज जा रही है, हाई प्रेशर उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, ए टर्मोलॉजी आपको ही यूज करनी है। व्यापारिक पवने कहां से कहां चलती हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, और जो ए इस कलर से हम बना रहे हैं, हल्का सा पिंक है, जो यहां पर पवने कैसे जा रही हैं, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब से दो पवने की उत्पत्ति होती है, एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर आती है, एक उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जाती है, तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर जो पवने आती है उन्हें पछुआ कहते हैं, जबकि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जो पवने जाती हैं उन्हें नाम दिया जाता है, उन्हें नाम दिया जाता है पछुआ पवन। ये कौन सी है? ये व्यापारिक पवन थी, और अब उत्पत्ति होती है पछुआ पवन की, पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड, W से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेस्टर्न विंड, ठीक ना। यहां पर भी तो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलती है, अर्थात इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार चलेंगी। तो हाई प्रेशर से कहां की ओर जा रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। और यहां पर भी अगर हम बात करते हैं, यहां पर भी हम बात करते हैं कि किस दिशा में ये जा रही है, तो देखिएगा, दिशाओं का ज्ञान करा देते हैं हम। ये कैसे जा रही है? इस प्रकार जा रही है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से जा रही है, अर्थात ऐसी, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार जा रही है, अर्थात ऐसी जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में ऐसी। तो साउथ वेस्ट से कहां की जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवने होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। दक्षिण पश्चिम से कहां की ओर जाती है? उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी की ओर जाती है। और वहीं पर अगर बात की जाए,
दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिण गोलार्ध में इस प्रकार चल रही है। देखिए दक्षिण गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा अगर इसमें आप दिमाग लगाएंगे कि किस प्रकार से पवने चल रही हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप में समझ में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक ना। केवल आपको इतना बोध होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, पहली बात। और दूसरी बात ये याद होनी चाहिए कि पवने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, पवने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहां पर उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो और चाहे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो, ठीक ना। अगर बाबू पूरी हम पृथ्वी बनाते हैं, अगर पूरी हम पृथ्वी बनाते हैं और यहां पर विषुवत रेखा खींचते हैं, तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है और ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। तो बाबू उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका है और यहां से ऐसा स्टार्ट होता है साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, मैं ओरल बना रहा हूं। यहां पर आपका यूरोप महाद्वीप है, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में, और यहां पर अफ्रीका स्टार्ट होता है, दोनों गोलार्धों में है, और यहां पर आपका जो है वो एशिया है, और यहां पर आपका दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। और यहां पर आपका अंटार्कटिका है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, और ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये आपका क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। आप देखिएगा, अगर आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता है, स्थल खंड यानी यहां पर धरातल अधिक है, तो यहां पर स्थल खंडों की क्या है, स्थल खंडों की अधिकता है, स्थल खंडों की यहां पर अधिकता है, और यहां पर इस वाले गोलार्ध में यहां पर स्थल खंडों की अधिकता नहीं, यहां पर जल की अधिकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में चूंकि स्थल खंडों की अधिकता है, और स्थल खंड जो होते हैं वो जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से ठंडे होते हैं, यानी अगर स्थल गर्मियों की बात करें तो स्थल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे जल की अपेक्षा, तो स्थल जब गर्म हो जाएंगे तो लो प्रेशर बन जाएगा और पानी में हाई प्रेशर बन जाएगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलने लगती है, ठीक ना। और साथ ही साथ जब यहां पर ये पवने चलेंगी तो स्थल खंड कहीं ना कहीं इन पवनों में रुकावट का कार्य भी करेंगे, बाधा भी डालेंगे, इनके मार्ग में बाधा भी डाल देते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा कुछ नहीं है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि स्थल खंडों की कमी है या स्थल खंड कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, जिस कारण से यहां पर पछुआ पवनों के प्रभाव में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो 30 डिग्री के ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा स्थल खंड है, आपका एशिया भी पड़ेगा यहां पर, भारत के ऊपर वाला क्षेत्र पड़ जाएगा पूरा, यहां पर आपका यूरोप भी पड़ जाएगा, यहां पर आपका दक्षिण अमेरिका सॉरी उत्तर अमेरिका भी पड़ जाएगा, तो यहां पर स्थल खंड यहां पर अवरोध पैदा कर देते हैं पछुआ पवनों को। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड यहां पर अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन अक्षांशों के मध्य 30 से 60 अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड बहुत कम मात्रा में, केवल दक्षिण अमेरिका और आप समझ लीजिएगा दक्षिण अमेरिका और थोड़ा सा अफ्रीका का भाग ही टकराता होगा, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक ना। तो यहां पर स्थलखंडों की कमी है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना, यहां पर से मैं समझा रहा हूं। तो जब यहां पर पछुआ पवने जब यहां पर आते 30 से 60 डिग्री के मध्य, तो यहां पर 40 डिग्री होगा कहीं पर और यहां कहीं पर 50 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री 40 डिग्री और 60 डिग्री पर जब यहां पर पछुआ पवने आती हैं, तो पछुआ पवने यहां पर भयानक रूप से वर्षा करती हैं, जिन्हें 40 डिग्री पर गरजता चालीसा कहा जाता है, गरजता चालीसा नाविकों के द्वारा दिए गए नाम है, गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर दहकता पचासा कहा जाता है, दहकता पचासा, और 60 डिग्री पर इनको क्या कहा जाता है, 60 डिग्री पर इन्हें चीखता साठा कहा जाता है, चीखता साठा। और याद रखिएगा साठा, साठा मतलब 60, पचासा मतलब 50, चालीसा मतलब 40, गरजता चालीसा, दहकता पचासा और चीखता साठा, ये जो केवल है केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंडों की अधिकता होती है, ठीक ना। साथ ही साथ जब
मध्य काल की बात है, मध्य इतिहास में हम मध्यकालीन युग पढ़ते हैं, तो मध्य काल में अरब से जो व्यापारी आते थे, अरब से या यूरोप से जो व्यापारी आते थे, वो इन्हीं अक्षांशों के मध्य यात्रा करते थे, इन्हीं इन्हीं अक्षांशों के मध्य वो यात्रा करते थे। तो इन अक्षांशों पर जब आते थे तो यहां पर एक व्यापारी पछुआ पवन चलने कारण उनकी नाव डगमगाने लगती थी, भाई यहां से इस ओर आते थे वो, उच्च अक्षांश से यूरोप, उच्च अक्षांश में यहां है यूरोप, उच्च अक्षांश में कर्क रेखा के ऊपर है यूरोप, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है यूरोप। तो यूरोप से जब यात्री आते थे तो सबसे पहले वो 60 डिग्री के क्षेत्र में, उसके बाद 30 डिग्री के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते थे, और 30 डिग्री के क्षेत्र में जब प्रवेश करते थे तो यहां पर पवने चलती थी जिनके कारण उन्हें आसानी से यात्रा हो जाती थी उनकी, इसलिए नाम दे दिया गया उनके द्वारा, क्या नाम दे दिया गया, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। क्या नाम दे दिया गया, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। तो जब ही यहां पर यात्रा करते थे तो इन पवनों के कारण, पछुआ पवनों के कारण, जब पछुआ पवने चलती थी तो पानी ऊपर नीचे होता था, लहरें उठती थी, जिस कारण से उनका पानी वाला जहाज या नाव जो उनकी होती थी वो डगमगाने लगती थी, और उससे भारी होने कारण, तो उससे बचने के लिए वो क्या करते थे, तीन ही उपाय होते थे, या तो स्वयं पानी में कूद जाइएगा, या जो अपने साथ सामान लिए हैं उसको पानी में छोड़ दीजिएगा, या घोड़े अपने साथ लेके आते थे, क्योंकि भारत में अच्छे नस्ल के घोड़े नहीं पाए जाते थे, या घोड़ों को छोड़ दीजिएगा, तो वो लोग घोड़े पानी में फेंक देते थे। और ये प्रक्रिया 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में होती है, इसलिए 30 से 35 डिग्री अक्षांश क्षेत्र को घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, घोड़ा अक्षांश या अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो आपकी कौन सी पवन है, या आपकी पछुआ पवन है, ठीक ना। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती हैं, तो देखिएगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, और यहां पर भी चलेंगी, लेकिन यहां पर कैसे चलेंगी, यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इस प्रकार से चलेंगी। अब देखिएगा ए और ए एक ही दिशा है, यहां पर ए और ए एक ही दिशा है, तो जिस प्रकार व्यापारिक पवने जिस दिशा में चलती हैं, जो व्यापारिक पवनों का मार्ग होता है वही ध्रुवीय पवनों का मार्ग भी होता है, तो ध्रुवीय पवने 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलती हैं, यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। कौन सी पवन है, तो इन पवनों का नाम क्या है, इस कलर से जो मैंने बनाया है, ये आपकी पोलर विंड है, ध्रुवीय पवन। क्या नाम है, पोलर विंड है, ध्रुवीय पवन। और ध्रुवीय पवने जो होती हैं ये उपोष्ण, यहां से चलती हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब से, यहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, और टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण इनमें आर्द्रता नहीं होती है, टेम्परेचर जहां पर अधिक होगा वहीं की पवनों में आर्द्रता अधिक मात्रा में पाई जाएगी, तो ये इनमें आर्द्रता बहुत कम होती है, बल्कि ये अपने साथ हिम को बहाकर लाती है, अपने से बर्फीली होती हैं, ठंडी होती हैं, अपने साथ हिम को बहाकर लाती हैं। और आप देखिएगा यहां पर एक चीज गौर करिएगा, मैं दूसरा डायग्राम ले लेता हूं, दूसरा डायग्राम ले लूंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएंगी आपको चीजें। देखिएगा यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री, और यहां पर 90 डिग्री, ठीक ना। यहां देखिएगा, यहां से एक पवन जा रही है, ए लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, यहां पर नहीं, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाँ इस हाई प्रेशर, एक तो यहां पर आ रही है, एक तो यहां पर आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एक ऐसी जा रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ए वाली हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये कौन सी है, तो ये आपकी पछुआ पवन है, पछुआ पवन। और एक यहां पर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एक यहां से यहां की ओर आती है, ये कौन सी पवन है, तो ये आपकी ध्रुवीय पवन। कौन सी पवन है, तो ये आपकी ये ध्रुवीय पवन। तो ध्रुवीय पवन ठंडी है, बर्फीले क्षेत्रों में कम तापमान वाले क्षेत्र से आ रही है, और ए वाली पवन गर्म है। तो ये दोनों पवन है उपध्रुवीय क्षेत्र, 60 डिग्री का कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपका उपध्रुवीय क्षेत्र है। तो उपध्रुवीय क्षेत्रों में एक ठंडी पवन और एक गर्म पवन के मिलने के कारण
एक संक्रमण क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं तो जो क्षेत्र का निर्माण होता है उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है वाताग्र। और वाताग्र एक ठंडी है और एक गर्म है, जब ये वाताग्र आपस में मिलता है तो इनके आपस में मिलने के कारण वाताग्र पर जो वर्षा होती है उस वर्षा को नाम दिया जाता है वाताग्री वर्षा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन कहां पर आकर मिलती है, उपध्रुवीय क्षेत्र में आकर मिलती है। कहां पर? उपध्रुवीय क्षेत्र। और उपध्रुवीय क्षेत्र में ही किसका निर्माण हो जाता है? वाताग्र का। और वाताग्र पर होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? वाताग्री वर्षा के नाम से जानते हैं। आपके टीजीटी में 3 बार ये प्रश्न पूछा गया कि किन अक्षांशों पर वाताग्री वर्षा होती है, तो वाताग्री वर्षा उपध्रुवीय क्षेत्र में होती है 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य। आपको प्रत्येक में 5-5 डिग्री का अंतर चलते हुए चलना है, 0, 25 से 23, 60 से 65 और 80 से 90, यहां पर 10 का कर देना बस, ठीक ना। तो यहां पर एक पछुआ पवन जाएगी और यहां पर ध्रुवीय पवन आएंगी। ध्रुवीय और पछुआ पवन है, ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन उपध्रुवीय क्षेत्र में मिलती हैं और वाताग्र का निर्माण करती हैं, और इस वाताग्र पर वर्षा होती है जिसको नाम दिया जाता है वाताग्री वर्षा। क्या नाम दिया जाता है? वाताग्री वर्षा। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे पवन, और पवन में आज मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया है वो प्रचलित पवन है, और इसमें हमने तीनों आपको समझा दी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, मैं इसको निकाल लूं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो क्रम से मिलने वाली पवन है, पवनों का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले येलो कलर से जो बनाई वो मिलेगी यानी ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन, फिर पिंक कलर वाली मिलेगी पछुआ पवन, और फिर ये हल्का ब्लू जो है ध्रुवीय पवन। तो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, चाहे उत्तरी गोलार्ध में बात करें चाहे फिर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, चाहे उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं, चाहे किस में बात की जाए, चाहे आपकी दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए, बोलिएगा। क्लियर है चीजें? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बकाया एडमिशन प्रक्रिया चालू है, आप किसी भी विषय में एडमिशन ले सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे, जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो के नीचे हमारे ऐप का लिंक लगा है, आप लिंक पर जाइएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन अपना करते हैं आपको एक स्टोर का नीचे ऑप्शन देखेगा, स्टोर पर आप क्लिक करिएगा। टीजीटी पीजीटी के 10 बैच हमारे यहाँ, मतलब 10 सब्जेक्टों के बैच हैं, उनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स है, आपका साइंस है, या फिर आपका मैथमेटिक्स है, हिंदी, अंग्रेजी है, गृह विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, आप किसी भी कोर्स, जो भी आपका कोर्स होगा उसको आप वहां से सीधे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।